आयुर्वेद में तुलसी के पौधे को औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। इस पवित्र पौधे का धार्मिक महत्व भी है। इसका इस्तेमाल सदियों से मुख्य रूप से घरेलू उपचार के तौर पर किया जाता रहा है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल चाय, जूस और सूखे पाउडर के रूप में कई तरह से किया जा सकता है। तुलसी खनिजों और मिनरल्स का भंडार है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सिट्रिक, टार्टरिक और मेलिक एसिड पाया जाता है। तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की बीमारियां दूर होती है। सालों से तुलसी के पत्तों को इलाज के लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटियों में से एक माना जाता रहा है। सुबह सुबह तुलसी के पत्ते खाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते चबाने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। तुलसी के पत्तों में एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो धमनियों में रक्त के ठहराव को सीमित करके ओरल और ब्रेस्ट कैंसर के विकास को रोकने में मदद करते हैं। सुबह उठकर तुलसी के पत्ते चबाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा सही रहती है, जिससे खून में मौजूद शुगर आपको एनर्जी देने का काम करता है। तुलसी के पत्ते कैफीन, विटामिन सी, यूजिनों से भरपूर होते हैं जो फेफड़ों के संक्रमण को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को फेफड़ों को होने वाले नुकसान के लिए एक जरूरी औषधि माना जाता है, जो मुख्य रूप से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी और स्मोकिंग के कारण होता है। जोड़ों में सूजन और जलन की समस्या को दूर करने के लिए तुलसी एक बेहतर विकल्प है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। तुलसी अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या से पीड़ित मरीजों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह जोड़ों में दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद करती है। तुलसी शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के लेवल को बनाए रखने में मददगार है। शरीर में कोर्टिसोल का लेवल कम होने से तनाव भी कम होता है। यह बेचैनी दूर करने और मूड को रिफ्रेश करने में मदद करती है। तुलसी पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मददगार है। तुलसी शरीर को पाचन के लिए जरूरी गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तुलसी की चाय में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो सर्दी खांसी के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, मूली से आप जरूर परिचित होंगे। यह एक सब्जी है जिससे भारतीय कई तरह का व्यंजन बनाते हैं। लंबी और पतली सी दिखने वाली मूली भले ही बहुत अधिक स्वादिष्ट न होती हो, लेकिन मूली को खाने से फायदे बहुत ही अधिक होते हैं। आप भी अगर मूली का इस्तेमाल करते हैं और मूली के फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको जरूर मूली के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में जानना चाहिए। दरअसल मूली एक बहुत ही उत्तम औषधि है और आप मूली के प्रयोग से कई बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं, अनेक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। आयुर्वेद में मूली के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। आइए सबके बारे में जानते हैं। भारत में मूली को सब्जी के साथ साथ सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूली के नए पत्ते देखने में सरसों के पत्तों जैसे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के और देखने में सरसों के फूलों की तरह ही होते हैं। रंगों के अनुसार मूली दो प्रकार की होती है, सफेद मूली और लाल मूली। इसके बीज और जड़ से सफेद रंग का तेल निकाला जाता है। मूली का वानस्पतिक नाम रफेनस सेटाइवस ब्रैसिकेसी है। दोस्तों, हिचकी की परेशानी में करें मूली का इस्तेमाल। मूली से बने जूस या सूखी मूली से काढ़ा बनाएं। इसे 50 से 100 मिलीलीटर लीटर की मात्रा में 1 से 1 घंटे के अंतराल में सेवन करें। इससे हिचकी में लाभ होता है। दाद या खुजली के इलाज के लिए करें मूली का प्रयोग। दाद या खुजली होने पर मूली के बीजों को नींबू के रस में पीसकर लगाएं। इससे दाद ठीक होता है। मूली के सेवन से करें सूजन का इलाज। सूजन के इलाज के लिए 5 ग्राम तिलों के साथ मूली के 1 से 2 ग्राम बीजों का सेवन करें। ऐसा दिन में 2-3 बार करने से सूजन ठीक होता है। आंखों के रोगों में फायदेमंद मूली का प्रयोग। मूली के रस को काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की बीमारी ठीक होती है। कान के रोग को ठीक करता है। मूली और तिल के तेल को कान में 2 बूंद डालने से कान का दर्द ठीक होता है। 3 ग्राम मूली क्षार और 20 ग्राम शहद को मिलाएं। इसमें बत्ती भिगोकर कान में रखने से मवाद आना बंद हो जाता है। मूली के रस को थोड़ा गर्म करें। इसमें मधु,
तेल एवं सेंधा नमक मिलाकर कान में डालने से कान के दर्द से आराम मिलता है। मूली कंद के रस या पत्ते के रस से पकाए हुए तिल के तेल को 1 से 2 बूंद की मात्रा में कान में डालें। इससे कान का दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में लाभ दिलाता है। मूली का उपयोग कच्ची मूली का जूस बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर लीटर मात्रा में सेवन करने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। मूली के इस्तेमाल से कंठ रोग का इलाज। मूली के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीस ले। इसे गर्म जल के साथ दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से कंठ रोग ठीक होता है और गला साफ होता है। सांस संबंधी रोगों या श्वसन तंत्र की बीमारी में फायदेमंद। मूली का इस्तेमाल छाया में सुखाई हुई छोटी मूली का भस्म बना ले। इसे 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से सांसों की बीमारी में लाभ होता है। इसके साथ चीनी और गुनगुना हलवा का सेवन करना अधिक गुणकारक होता है। 5 मिलीलीटर मूली के रस में बराबर मात्रा में मधु और सेंधा नमक मिलाए। इसका सेवन करने से सांस की नली से संबंधित परेशानी में आराम मिलता है। 500 मिलीलीटर ग्राम मूली क्षार में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 से 4 बार चाटने से सांसों के रोग में लाभ होता है। मूली से निर्मित जूस या सूखी मूली से बने काढ़ा को 50 से 100 मिलीलीटर लीटर की मात्रा में सेवन करने से सांसों की बीमारी ठीक होती है। सूखी मूली से बने जूस का सेवन करने से भी सांसों के रोग में लाभ होता है। खांसी में फायदा पहुंचाता है। मूली का सेवन वातज विकार के कारण होने वाली खांसी को ठीक करने के लिए मूली की सब्जी का सेवन करें। छाया में सुखाई हुई छोटी मूली का भस्म बना ले। इसे 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी की बीमारी में लाभ होता है। इसके साथ चीनी और गुनगुना हलवा का सेवन करना अधिक फायदेमंद होता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। मूली पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मूली का प्रयोग खाने के बाद करें। भोजन से पहले यह पाचन में भारी होती है, लेकिन भोजन के बाद भोजन को पचाने में मदद करती है। मूली के प्रयोग से एसिडिटी का इलाज। कोमल मूली को मिश्री में मिलाकर खाएं या मूली के पत्तों के 10 से 20 मिलीलीटर लीटर रस में मिश्री मिलाकर सेवन करें। इससे एसिडिटी में लाभ होता है। पेट के दर्द से आराम दिलाता है। मूली के 25 मिलीलीटर लीटर रस में आवश्यकतानुसार नमक मिलाएं। इसके साथ ही 3-4 काली मिर्च का चूर्ण डालें। इसे 3 से 4 बार पिलाने से पेट का दर्द ठीक होता है। मूली की सब्जी का सेवन करना भी पेट के लिए अच्छा होता है। 60 मिलीलीटर ग्राम मूली के रस को सुबह सेवन करने से जलोदर में लाभ होता है। मूली का इस्तेमाल दस्त को रोकता है। कोमल मूली से बने 10 से 30 मिलीलीटर लीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पीपर का चूर्ण मिलाकर पीने से दस्त को रोक सकते हैं। बवासीर में लाभदायक। मूली का सेवन। मूली का 20 मिलीलीटर लीटर रस निकालकर उसमें 50 ग्राम गाय का घी मिलाकर सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। मूली की सब्जी का सेवन वातज विकार के कारण होने वाली बवासीर की बीमारी में लाभ मिलता है। मूली के पत्तों को छाया में सुखाकर पीस ले। इसमें समान मात्रा में चीनी मिलाकर 40 दिन तक 25 से 50 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे बवासीर में फायदा होता है। खूनी बवासीर में फायदेमंद। मूली का इस्तेमाल। मूली के कंदों का ऊपर का सफेद मोटा छिलका उतारकर और पत्तों को अलग कर रस निकालें। इसमें 6 ग्राम घी मिलाकर रोज सुबह सुबह सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसके साथ ही 10 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर मूली के पत्ते के रस में उबाले। जब यह गाढ़ा हो जाए तो बेर के समान गोलियां बना ले। 1 गोली मक्खन में लपेट कर खाए। ऊपर से 125 ग्राम दही पिला दे। इससे खूनी बवासीर में फायदा मिलता है। मूली के सेवन से पीलिया का इलाज। मूली के ताजे पत्तों को जल के साथ पीसकर उबाल ले। दूध की भांति झाग ऊपर आ जाता है। इसको छानकर दिन में 3 बार पीने से पीलिया रोग में लाभ होता है। मूली की सब्जी का सेवन करने से भी वातज विकार के कारण होने वाली पीलिया में फायदा होता है। एनीमिया के इलाज के लिए करें मूली का उपयोग। मूली के पत्ते सहित मूली के रस को निकालें। इसे दिन में 3 बार 20 मिलीलीटर लीटर की मात्रा में पीने से एनीमिया रोग में लाभ होता है। इसी तरह 70 मिलीलीटर लीटर मूली के रस में 40 ग्राम चीनी मिलाकर पीने से एनीमिया में फायदा होता है। मूली के पत्ते के रस 60 मिलीलीटर लीटर में 15 ग्राम खांड मिलाकर पीने से भी एनीमिया की बीमारी ठीक होती है। पथरी की समस्या दूर करने में फायदेमंद है। मूली 100 मिलीलीटर लीटर मूली के पत्ते के रस को दिन में 3 बार 30 मिलीलीटर लीटर पिए। इससे पथरी का इलाज होता है। पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। मूली के पत्तों के 10 मिलीलीटर लीटर रस में 3 ग्राम अजमोद मिलाए।
इसे दिन में 3 बार पीने से पथरी का उपचार होता है और पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। मूली के बीजों को 1 से 6 ग्राम तक दिन में 3 से 4 बार खाने से भी पथरी रेग में फायदा होता है और मूत्राशय की पथरी निकल जाती है। लिंग के तनाव को बढ़ाता है। मूली का प्रयोग कई लोग यह शिकायत करते हैं कि सेक्स के दौरान लिंग में तनाव नहीं रहता या लिंग के तनाव में कमी आ गई है। ऐसे लोग मूली से फायदे ले सकते हैं। मूली के बीजों को तेल में खौला ले। इस तेल को लिंग या पेनिस पर मालिश करने से लिंग के ढीलेपन की बीमारी ठीक होती है। किडनी विकार में मूली के सेवन से फायदा। किडनी की खराबी की बीमारी में यदि पेशाब बनना बंद हो जाए तो 20 ml से 40 ml लीटर मूली के रस को दिन में 2-3 बार पीने से बहुत लाभ होता है। 120 मिलीलीटर लीटर मूली के रस में 10 ग्राम कलमी शोरा को घोटकर सुखा दे। इसकी 500 मिलीलीटर ग्राम की गोलियां बनाकर 1 से 2 गोली दिन में 2 बार सेवन करे। इससे किडनी में दर्द की बीमारी में आराम मिलता है। लिवर रोग या तिल्ली विकार में फायदेमंद। मूली का सेवन। मूली की 4 फांक करके चीनी मिट्टी के बर्तन में रखे। ऊपर से 6 ग्राम पिसा नौसादर छिड़क कर रात को ओस में रखे। सुबह जो पानी निकले उसको पीकर ऊपर से मूली की फांके खाने से लिवर और तिल्ली से संबंधित विकारों में लाभ होता है। 1 ग्राम मूली बीजों को पीसकर सुबह शाम खाने से भी लिवर